नमस्कार साथियों, फेबुलस एकेडमी के डिजिटल पोर्टल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हम यहाँ डिफेंस के जो विभिन्न एग्ज़ाम हैं, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस और इंडियन आर्मी, उनके लिए जीएस के जो पॉपुलर टॉपिक्स हैं उनको देख रहे हैं। सामान्य ज्ञान की यह जो श्रृंखला है, इसमें हमने अभी तक जो पुरस्कार वाली श्रृंखला है उसको देख लिया था, और आज से हमारी एक जो नई जो डिफेंस के एग्ज़ामों का एक पॉपुलर टॉपिक होता है कि खेल स्पोर्ट्स से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। और आज के इस पहले लेक्चर में हम ओलंपिक खेल, जो दुनिया के सबसे बड़े खेल माने जाते हैं, उसके बारे में देखेंगे। ओलंपिक खेलों से हमारी चर्चा को शुरू करें, इससे पहले ये देख लेते हैं कि डिफेंस एग्ज़ाम हैं, इनमें जो सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों का लेवल है, वो भी हम साथ ही साथ डिस्कस करते जाएंगे। आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से ये देखना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ विभिन्न जो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जीएस में सवाल पूछे जाते हैं उनका लेवल क्या रहता है। ओलंपिक से कमोबस हर एक साल किसी न किसी एग्ज़ाम में एक से दो सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, ओलंपिक दुनिया के सबसे बड़े खेल हैं और हर एक चार साल में होते हैं। क्यों ना हम ये देख लेते हैं कि ये जो ओलंपिक होते हैं ये किस प्रकार से होते हैं। आज की जो हमारी चर्चा है वो ओलंपिक खेल के बारे में है, और हम ओलंपिक के सामान्य परिचय, ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक के जो विभिन्न उद्देश्य हैं वो, ओलंपिक मशाल, ओलंपिक में ली जाने वाली शपथ, ओलंपिक के जो शुभंकर होते हैं, हर एक ओलंपिक का अलग अलग शुभंकर होता है, मस्कट होता है वो, और ओलंपिक हमला, कौन से ओलंपिक पर हमला हुआ था, क्यों हुआ था, किस साल हुआ था, ये सवाल भी पूछा जाता है एग्ज़ामों में, और गोल्डन शार्क के नाम से ओलंपिक में कौन जाने जाते हैं, इनके बारे में देखेंगे। साथियों, अपने इस डिस्कशन को जब हम इन 7-8 टॉपिक के अंदर बांट के देख लेंगे, उसके बाद में एक स्वाभाविक है कि हम इंडिया में रह रहे हैं तो भारत का ओलंपिक में प्रदर्शन कैसा रहा है उसको भी हमें देखना होगा, वो हमारा एक अलग से टॉपिक रहेगा। अपनी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, हम देखते हैं कि ओलंपिक का सामान्य परिचय हमें कितना ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ओलंपिक जो खेल हैं वो दो प्रकार से जाने जाते हैं, एक प्राचीन ओलंपिक, एक आधुनिक ओलंपिक। अगर हम बात करें प्राचीन ओलंपिक की साथियों, तो प्राचीन ओलंपिक हैं, इनकी अगर शुरुआत की बात करें, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, शुरुआत 776 ईसा पूर्व में हुई है। और अगर इसके स्थान की बात करें तो ये हुई है साथियों ओलंपिया शहर में, ओलंपिया नगर। अगर ओलंपिया नगर की बात करें तो ये था यूनान में। आपको बता दें साथियों कि यूनान में दो नगर हुआ करते थे, एक का नाम था एथेंस और दूसरा स्पार्टा। उन्हीं में से एक था एथेंस, और इसी एथेंस के अंडर आता था ये ओलंपिया नगर। इसी ओलंपिया नगर के अंदर 776 ईसा पूर्व में यूनान के राजा ने मनोरंजन के लिए एक खेल शुरू कराया जो प्राचीन ओलंपिक कहलाता है। लेकिन 350 ईसा पूर्व के आसपास आते आते यूनान के एक शासक ने उन खेलों को होने की जो परंपरा थी उसको बंद कर दिया। उसके बाद में फिर आधुनिक जो ओलंपिक, आजकल जो ओलंपिक होते हैं वो हमारे सामने है। देखो, प्राचीन ओलंपिक को बंद करने का कारण ये था कि उसमें मनुष्यों के बीच में आपस में लड़ाई होती थी, जिससे बहुत सारे जो व्यक्ति है वो मारे जाते। अब इस कारण से उसने उनको बंद करवा दिया, बोला कि ऐसे खेल जिसमें मानव की हत्या है वो खेल कतई मनोरंजन के पक्ष नहीं हो सकते। कई सालों बाद में एक फ्रांस के अंदर एक व्यक्ति हुए जिसका नाम था पियरे डी कोबार्टिन। पियरे डी कोबार्टिन ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि क्यों नहीं यूनान से ही हम वापस ओलंपिक खेलों की शुरुआत करते हैं। और ये बात है 1894 के आसपास की, जब 19वीं शताब्दी ख़त्म हो रही थी और 20वीं शताब्दी आ रही थी, दुनिया अपनी करवटें बदल रही थी। तब फ्रांस के ही एक व्यक्ति हुए पियरे डी कोबार्टिन, जिनको इन्हीं को आधुनिक ओलंपिक के पिता कहा जाता है, आधुनिक ओलंपिक के जनक है ये। इन्हीं के प्रयासों से 1896 के अंदर प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल हैं उनकी शुरुआत हुई।
और ये जिस शहर में आयोजित हुए उसका नाम था दोस्तों एथेंस। आपको बता दिया ये ओलंपिया एथेंस के अंतर्गत ही आता था, इसलिए उसी परंपरा को वापस चालू करने के लिए पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों से एथेंस में प्रथम आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुई। प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक में ये डिफरेंस है। दूसरी बात ये कि आधुनिक ओलंपिक है ये प्रति 4 वर्ष में होते हैं, प्रति 4 वर्ष में एक बार होते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये 2 प्रकार से होते हैं साथियों। एक होते हैं जिनको कहा जाता है ग्रीष्म ग्रीष्म ओलंपिक, और एक होता है शीत ओलंपिक विंटर ओलंपिक। और इसके अलावा एक और पार्ट होता है जिसको बोला जाता है पैरा ओलंपिक, जिसमें विकलांग व्यक्ति होते हैं वो भाग लेते हैं। आपको बता दें साथियों ग्रीष्म ओलंपिक समर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक साथ साथ ही होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं। मतलब जब ग्रीष्म ओलंपिक समाप्त हो जाते हैं तो जस्ट उसके कुछ दिनों बाद में उसी स्थान पर पैरा ओलंपिक शुरू हो जाते हैं, लेकिन शीत ओलंपिक है इन दोनों के बीच में होते हैं, 4 साल के बीच में ये होते हैं। और ये जो 4 वर्ष का समय है, हर एक 4-4 साल का समय, इसी को कहा जाता है ओलंपिक वर्ष। आपसे पूछेंगे कि ओलंपिक वर्ष है उसके अंदर समय कितने वर्ष का है, तो आप बताएंगे 4 वर्ष का है। ओलंपिक खेलों के बारे में 776 ईसा पूर्व और 1896 से जो शुरुआत हुई वो एक सामान्य परिचय है। हम ये देखते हैं कि ओलंपिक में कौन कौन सी रोचक चीज़ें हैं, जो हमें रोचक चीज़ें ओलंपिक के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती है। सबसे पहले सामान्य परिचय में हम ये देख लेते हैं कि ओलंपिक करवाने वाली संस्था है IOC, और उस IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसमें भारत की क्या स्थिति है। देखिए आपको स्क्रीन के ऊपर 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो एग्ज़ाम में हमें ये पूछ लेंगे कि IOC है उसका पूरा नाम क्या है। आपको बता दें IOC का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अगर इसको हम ऐसे देखें तो आप इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी बोल सकते हैं। अगर इसकी हम स्थापना की बात करें साथियों, तो इसकी स्थापना 1894 में हो चुकी है। अभी हमने पियरे डी कोबार्टिन के द्वारा जो प्रयास किए गए थे उनको देखा। अगर इसके मुख्यालय की बात करें हम, मुख्यालय कहाँ है इसका, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जामों में पूछा जाता है, लुसाने में। आप बताइए लुसाने कहाँ है साथियों। ये याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय लुसाने में है। और लुसाने एक शहर है जिसे स्विट्जरलैंड के अंदर माना जाता है, स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है ये, और स्विट्जरलैंड को यूरोप का स्वर्ग माना जाता है, खेल का मैदान माना जाता है। आपको IOC के इस सामान्य चर्चा के बाद नीचे चित्र में एक शख्स दिखाई दे रहे हैं, ये चित्र में जो, और यही वर्तमान के अंदर IOC के अध्यक्ष हैं। याद रखना है आपको कि वर्तमान में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है, ये जो शख्स आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं यही हैं, और इनका नाम है साथियों थॉमस बाक। जर्मनी के रहने वाले मूलतः। IOC ही ओलंपिक कहाँ होंगे उनके लिए स्थानों का चयन करती है, और प्रतिस्पर्धा में जो सबसे ऊंचा होता है उसको ओलंपिक की मेज़बानी दे दी जाती है। जैसे कि 2020 के ओलंपिक टोक्यो में होने थे, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से संभवतः वो 2021 के अंदर आयोजित होंगे। यहाँ हम देख लेते चित्र में जो दिखाई दे रहे हैं ये है नीता अंबानी। इनको 2016 में IOC के लिए चुना गया। ध्यान ये रखना है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए चुने जाने वाली एकमात्र भारतीय महिला है। भारत से आज तक किसी भी महिला को IOC के लिए नहीं चुना गया, और 2016 के अंदर नीता अंबानी रिलायंस समूह के जो स्पोर्ट्स फाउंडेशन है उनकी चेयरपर्सन है ये, और इनको 2016 के लिए चुना गया है। 70 साल की आयु तक ये इस पद पर बनी रहेंगी, ये भारत के लिए एक गौरव की बात है। तो IOC में नीता अंबानी, और IOC के चेयरमैन की बात हो तब थॉमस बाक,
और बाकी IOC के मुख्यालय और स्थापना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानकारी हमें याद रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है ओलंपिक ध्वज। ओलंपिक का झंडा ओलंपिक आयोजन स्थल पर पहनाया जाता है और वो झंडा आप देखिए किस टाइप का होता है। ये 5 छल्ले हैं और उन छल्ले आपस में गुंथे हुए हैं, इनका एक विशेष अर्थ है। आपको बता दें साथियों कि ये जो ओलंपिक ध्वज हैं, ये प्रथम बार अगर इसकी हम बात करें, प्रथम बार ये 1920 के अंदर सामने आया, और 1920 के अंदर जहाँ पे ओलंपिक हो रहे थे उस जगह का नाम था एंटवर्प। एक बार हम वापस देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी, एंटवर्प। एंटवर्प जिस जगह है उस देश का नाम है साथियों बेल्जियम। बेल्जियम के अंदर एंटवर्प ओलंपिक के अंदर इस ओलंपिक ध्वज को अपनाया गया। पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात कि इस ध्वज के जो 5 छल्ले हैं इनका एक विशेष अर्थ है। जैसे कि अगर हम बात करें, इस लाल छल्ले का आशय है उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी एंड दक्षिणी अमेरिका, 5 छल्ले अलग अलग महाद्वीपों के प्रतीक। आपसे पूछेंगे कि ये लाल किसका प्रतीक है, आपका आंसर होगा कि उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका का प्रतीक। अगर हरा पूछ ले कभी तो ये हरा ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक जो ओलंपिक ध्वज में है वो हरा रंग है। अगर काले कलर की पूछ ले तो काले का अफ्रीका महाद्वीप है, और अगर पीले कलर की पूछ ले तो जिस महाद्वीप में हम लोग रह रहे हैं एशिया है, और कभी अगर एग्जाम में पूछ ले कि नीला कलर है, ब्लू कलर है इसका, वो किस महाद्वीप का प्रतीक है, तो ये है साथियों यूरोप। ध्यान रहे अंटार्कटिका महाद्वीप नेशन है, उसकी कोई भागीदारी नहीं होती ओलंपिक में, इसलिए इन 5 छल्लों के अंदर अंटार्कटिका महाद्वीप का कोई उल्लेख नहीं है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को कम्बाइंडली रेड जो छल्ला है उससे प्रतीक चिन्ह दिया गया है। यहाँ से कमोबस हर एक साल एक सवाल पूछा जाता है। सवाल इस प्रकार का रहता है कि ओलंपिक ध्वज के अंदर पीला रंग किस महाद्वीप का प्रतीक चिन्ह है, ये ऑप्शन के अंदर दे दिए जाएंगे और राइट आंसर हो जाएगा एशिया। ठीक ऐसे ही बोल देंगे कि ओलंपिक ध्वज के अंदर अफ्रीका के लिए कौन सा कलर, कौन सा रंग है जो प्रतीक के तौर पर दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा काला है। बाकी ये पीला हरा लाल और जो नीला कलर है ये अन्य महाद्वीपों के। यहाँ से कमोबस एक सवाल जरूर आएगा, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अन्यथा आपको PDF मिल जाएगी इसकी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं साथियों। अगला जो ओलंपिक का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है साथियों ओलंपिक के उद्देश्य। देखिए ओलंपिक के जो उद्देश्य हैं वो भी सर्वप्रथम 1920 का जो ओलंपिक हुआ उसमें अपनाया गया। और अगर इस ओलंपिक की बात करें तो ये एंटवर्प में हुआ था, एंटवर्प ओलंपिक। और एंटवर्प अगर जगह की बात करें वो अभी हमने चर्चा की बेल्जियम में है, और बेल्जियम जिस महाद्वीप में है उसका नाम है यूरोप। डिफेंस एग्जामों में देशों की राजधानियां भी पूछा जाता है, तो आप बेल्जियम की जो ये कैपिटल है ब्रुसेल्स उसके बारे में भी देख सकते हैं। एंटवर्प ओलंपिक के अंदर ही इसके ये 3 उद्देश्य सामने आए, जिनको अगर हम देखें तो लेटिन भाषा के अंदर, लेटिन प्राचीन यूरोप के अंदर एक बहुत ही तकड़ी समृद्ध भाषा मानी जाती थी, उसके 3 शब्द लिए गए उद्देश्यों में। आप इनको समझिए कि वो शब्द कौन से है। पहला शब्द है जिसका नाम है शीटियस, दूसरा जो शब्द है उसका नाम है अल्टियस, और तीसरा है उसका नाम है फोर्टियस। बात उठती है कि इनका अर्थ क्या है। देखो फोर्टियस से फोर्स यानी कि बलशाली, तो फोर्टियस का आशय होता है बलवान। देखिए अल्टियस का मतलब है एल्टीट्यूड पर, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई पर, तो अल्टियस का अर्थ होता है ऊंचा, और शीटियस का अर्थ होता है लैटिन भाषा के शब्द का तेज,
यानी कि ओलंपिक के उद्देश्य हैं सीटीएस, एलटीएस, फोर्टीएस, जिनका आशय है और तेज, और ऊंचा, और बलवान, जो आपको चित्र के माध्यम से दिख रहा है। एग्जाम में भी ऐसे ही पूछेंगे कि ओलंपिक के कितने उद्देश्य हैं, तीन उद्देश्य है, कौन सी भाषा में है, लैटिन भाषा में है, कब स्वीकार किया गया, एंटवर्प ओलंपिक 1920 से स्वीकार किया गया, इनके अर्थ भी पूछ सकते हैं आपको। तो ओलंपिक के ये जो उद्देश्य हैं, इनको भी आपको एक बार सरसरी नज़र से एग्ज़ाम में देख के जाना है। साथियों, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, आशा है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। आगे बढ़िए, अगला है ओलंपिक मशाल। चित्र के अंदर एक महिला है, ओलंपिक की मशाल है, उसको हाथ में लिए हुए हैं। यहाँ पूछा ये जाता है कि ये ओलंपिक की जो मशाल है, ये सर्वप्रथम कब सामने आई। देखिए, ओलंपिक सर्वप्रथम सामने आई 1896 में, लेकिन ओलंपिक की मशाल सर्वप्रथम सामने आई 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी के अंदर भारत ने पहला ओलंपिक पदक जीता था हॉकी के अंदर, गोल्ड मेडल जीता था। और ये जो ओलंपिक था, ये एक जगह पर था जिसका नाम था एम्स्टर्डम। एक बार इसको वापस देख लेते हैं, हम अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, अशुद्धि से फिर याद भी गलत हो जाएगा। एम्स्टर्डम जिस जगह है उसका नाम है नीदरलैंड के अंदर एम्स्टर्डम नामक जगह पर ओलंपिक आयोजित किया गया। और वहाँ पर पहली बार ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये मशाल का जो संकल्पना है, ये सामने आई। अब ये मशाल एक्चुअली में जहाँ ओलंपिक होता है वहाँ पर नहीं जलाई जाती। इसका हम एक बार कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि ये जो मशाल होती है, ये मशाल एक जगह है जिसका नाम है ओलंपिया। आप बताइए, अभी हमने ओलंपिया नगर की चर्चा की थी, ये कहाँ पे है, यूनान में। ओलंपिया जहाँ पे 1776 ईसा पूर्व के अंदर पहली बार प्राचीन ओलंपिक शुरू हुए थे, उसी जगह पे एक मंदिर है एक देवी का यूनान की, जिसका नाम है हेरा देवी मंदिर। उस हेरा देवी मंदिर के सामने इस मशाल को जलाया जाता है और फिर इस ओलंपिया नगर से आयोजन स्थल तक ले जाया जाता है। आयोजन स्थल, जैसे हम मान लेते हैं कि अगला आयोजन स्थल कहाँ है, टोक्यो, तो ये मशाल ओलंपिया के हेरा देवी मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित होगी और वहाँ से फिर ये मशाल आयोजन स्थल तक पहुँचेगी, संपूर्ण दुनिया के अंदर घूमेगी। इस मशाल का उद्देश्य ये होता है कि संपूर्ण दुनिया के अंदर मित्रता एवं वैश्विक सद्भाव के साथ साथ शांति का परिचय जाए, रोशनी का परिचय जाए, ज्योति का परिचय जाए। तो ये मशाल का जो हिस्ट्री है 1928 एम्स्टर्डम और ओलंपिया नगर से आयोजन स्थल तक, ये आपको याद रखना है। हेरा नदी के, हेरा देवी के जो मंदिर हैं उसके सामने सूर्य की किरण से ये प्रज्वलित होती है, इसी प्रकार से इसको बनाया जाता है। जैसे देखिए, ये यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। साथियों, ओलंपिक मशाल की चर्चा के बाद हम ओलंपिक के अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओलंपिक में जो खिलाड़ी भाग लेते हैं उनसे एक शपथ दिलवाई जाती है, ओलंपिक के जो नियम और कानून कायदे हैं, आपस में जो मित्रता है खेल के अंदर उसको बनाए रखने की, उसको ओलंपिक शपथ बोला जाता है। साथियों, देखो, ओलंपिक की शपथ अगर सर्वप्रथम हम देखें कब सामने आई, तो वही कॉन्सेप्ट के सर्वप्रथम 1920 ईस्वी के अंदर आई। और 1920 में जहां ओलंपिक हुए वो जगह थी एंटवर्प ओलंपिक, और एंटवर्प है बेल्जियम में। दो चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ध्वज वाली और उद्देश्य वाली, बेल्जियम। इसके अंदर ये जो शब्द लेते हैं, ये ओथ जो ली जाती है, ये आयोजक दो देश होता है, जो जिस देश में ओलंपिक हो रहा है आयोजक देश का एक खिलाड़ी लेता है। एक खिलाड़ी सभी खिलाड़ियों की तरफ से शपथ लेता है, बाकी सभी खिलाड़ी मैदान के अंदर खड़े रहते हैं। और आयोजक देश, जैसे कि अभी मान लेते हैं जापान में 2021 में ओलंपिक होंगे, तो जापान का ही एक खिलाड़ी पोडियम पे आके शपथ लेगा और बाकी खिलाड़ी उसका अनुसरण करेंगे। शपथ की ये जो कॉन्सेप्ट है, ये 1920 के एंटवर्प ओलंपिक से लगातार चल रहा है, ये आपको याद रखना है। माइक्रो सवाल पूछेंगे तब ऐसे ही पूछेंगे कि ओलंपिक में शपथ की जो अवधारणा है वो कब से चल रही है, कौन लेता है शपथ,
ऐसे दे देंगे कि पिछला जो लास्ट पदक विजेता है वो लेगा या फिर कोई और लेगा। तो आपको याद रखना, जिस देश में ओलंपिक आयोजित किया जा रहा है उस देश का ही कोई खिलाड़ी शपथ लेगा खिलाड़ियों की तरफ से सामूहिक रूप से। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं साथियों। ओलंपिक शुभंकर, इसको ओलंपिक मस्कट भी बोला जाता है। पहले ओलंपिक का कोई प्रतीक या ओलंपिक का कोई मस्कट नहीं हुआ करता, कोई शुभंकर नहीं हुआ करता था। जिस देश में आयोजित होता वो देश अपने हिसाब से ही उसको चला लेता। लेकिन पहली बार ओलंपिक के अंदर शुभंकर की संकल्पना 1968 में आई। आप देखिए 1968 के अंदर ओलंपिक है उसका आयोजन किया गया एक देश के अंदर जिसका नाम है मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी के अंदर 1968 का जो ओलंपिक हुआ उस ओलंपिक में पहली बार कि उस ओलंपिक का मस्कट क्या है, शुभंकर क्या है, उसकी संकल्पना आई। शुभंकर का मतलब कि कोई देश अपने आसपास की कोई शुभ चीज़ होगी उसको उस ओलंपिक के आयोजन के लिए शुभंकर के तौर पर दर्जा दे देता। जैसे कि अगर हम बात करें, ये दो चित्र में दिखाई दे रहे हैं, ये टोक्यो ओलंपिक के शुभंकर हैं। टोक्यो ओलंपिक ओलंपिक जो 2020 में होना था अब संभवतः 2021 में होगा। अगर कोरोना महामारी कंट्रोल में आ जाएगी तो जापान सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि इसको 2021 में आयोजित करवाएंगे। ये जो पहला चित्र में दिखाई दे रहा है यह है मिराई टोवा, मिराई टोवा। और जो दूसरा चित्र में दिया जा रहा है यह है सोमेटी, सोमेटी। ये जो सोमेटी है ये पैरा ओलंपिक का है और मिराई टोवा है ये ओलंपिक का शुभंकर है। चेरी ब्लॉसम जो जापान के अंदर बहुत ही पवित्र मानी जाती है उससे संबंधित है ये दोनों, ये शुभंकर होता है। इसी प्रकार का हर एक ओलंपिक के अंदर शुभंकर हुआ। जैसे कि चाइना के अंदर 2008 का जो ओलंपिक हुआ उसमें रेड पांडा को ओलंपिक का उसका शुभंकर का दर्जा दिया गया था। तो इस प्रकार से शुभंकर की जो संकल्पना है 1968 में मैक्सिको से शुरू हुई और वर्तमान तक चल रही है। अगर आपसे जापान और टोक्यो में होने वाले ओलंपिक की बात करें तो मिराई टोवा और सोमेटी को याद रखना है। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं साथियों। आगे है कि ऐसा नहीं है कि ओलंपिक में हमेशा शांति, सौहार्द और भाईचारा भी रहा। एक बार ऐसा समय भी आया जब ओलंपिक के ऊपर हमला भी हुआ। ओलंपिक पर खुले तौर पर वो नहीं था लेकिन उस समय, ये बात है 1972 की, 1972 ईस्वी के अंदर म्यूनिक के अंदर ओलंपिक हो रहे थे, म्यूनिक ओलंपिक। अगर म्यूनिक की बात करें हम साथियों तो ये म्यूनिक जिस देश में है उसका नाम है जर्मनी। जर्मनी में एक सिटी है म्यूनिक, वहाँ पे ओलंपिक हो रहे थे। और उस समय एशिया में दो देश है, एक का नाम है फिलिस्तीन और दूसरा है इजराइल। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, खाड़ी युद्ध हो रहे थे। तो फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने फिलिस्तीन, एक मिनट इसको वापस देख लेते हैं, थोड़ा लिखने में सुधी नहीं हो, फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने इजराइल के खिलाड़ियों को मारा, इजराइल के 11 खिलाड़ियों को मारा। मार दिया। और आपको पता है ये चित्र में दिखाई दे रहा है उस समय का एक समाचार पत्र था दर्शन, और उसने ये खबर भी छापी थी। ये एक ओलंपिक ऐसा रहा जिसमें ओलंपिक के दौरान खिलाड़ियों के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया और फिलिस्तीन के उन आतंकवादियों ने होटल के अंदर इसराइल के 11 खिलाड़ियों को मार डाला। इस कारण से इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में संबंध भी खराब हुए। कई बार ऐसा भी हुआ है कि युद्ध के कारण ओलंपिक आयोजित भी नहीं हुए। जैसा कि आपको ये याद रखना है, एक बार हम यहाँ इसको बढ़ा लेते हैं, ओलंपिक आयोजन कब कब नहीं हुआ है ये भी सवाल पूछ सकते हैं आपको। ओलंपिक आयोजन नहीं हुआ है, आप बताइए कब कब नहीं हुआ। देखो 1940 के अंदर नहीं हुआ है और 1944 के अंदर नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इस समय क्या था, दूसरा विश्व युद्ध, विश्व
युद्ध। इसके अलावा साथियों 1908 हुए हैं, 1912 के ओलंपिक हुए, 1916 के ओलंपिक भी नहीं हुए, क्योंकि इस समय कौन सा युद्ध चल रहा है? प्रथम विश्व युद्ध। तीन ओलंपिक विश्व युद्धों के कारण नहीं हुए हैं, ये भी आपको एग्जाम में पूछ लेंगे, 40, 44, 16 और एक बीच में और दे देंगे। 1920 के एंटवर्प में हुए, हमने देख लिया। तो ये भी है कि किस साल ओलंपिक आयोजित नहीं हुए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं साथियों। आगे जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं एक चित्र है, जिनके दोनों हाथों में मेडल ही मेडल लटक रहे हैं, इनको ओलंपिक के अंदर गोल्डन शार्क के नाम से जाना जाता है। आप चित्र देख के वहाँ पहचान गए होंगे कि इनका नाम क्या है। साथियों इनका नाम है माइकल फेलप्स, माइकल फेलप्स, माइकल फेलप्स यूएसए, यूएसए यानी कि अमेरिका के रहने वाले हैं, और ये जिस चीज के अंदर पदक जीत रहे हैं उनका नाम है तैराक। ये बहुत बड़े स्विमर हैं दुनिया के। और आपको बता दें कि एक ओलंपिक में सर्वाधिक पदक हैं वो इन्होंने ही जीते हैं, सर्वाधिक पदक इन्होंने ही जीते हैं, गोल्ड स्वर्ण पदक, और वो कितने हैं? 8। 8 स्वर्ण पदक एक ही ओलंपिक के अंदर जीते हैं, और उस ओलंपिक का नाम है बीजिंग ओलंपिक साथियों। और अगर हम बीजिंग ओलंपिक की बात करें तो ये बीजिंग ओलंपिक चाइना की राजधानी में 2008 में आयोजित हुआ था। 2008 के बीजिंग ओलंपिक ने इनको दुनिया के सामने एक ऐसी शख्सियत के रूप में स्थापित किया, इस कारण इनको गोल्डन शार्क के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये जो इनके हाथों में पदक, अगर हम इनके पदक की बात करें कि कितने पदक इन्होंने जीते हैं टोटल, तो वो है साथियों 28 पदक। 28 पदक इन्होंने जीते हैं ओलंपिक में, इसलिए ये गोल्डन शार्क कहलाते हैं। अगर 28 पदकों में देखें हम तो स्वर्ण पदकों की संख्या सबसे ज़्यादा है, और वो है 23। 23 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगर हम देखें रजत पदक की तो साथियों 3 रजत पदक जीते हैं इन्होंने। और अगर हम देखें कांस्य पदक की तो इन्होंने साथियों 2 कांस्य पदक जीते हैं, यानी कि टोटल 28 पदक जीत के ये ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी भी हैं, इसलिए इनको गोल्डन शार्क कहा जाता है। इनके अलावा भी यूसेन बोल्ट और भी बहुत सारे खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने एक से अधिक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं। ओलंपिक की इस सामान्य चर्चा के बाद, जहाँ हमने इसके सामान्य परिचय से लेके गोल्डन शार्क तक डिस्कशन कर लिया, अब हम देखते हैं कि भारत का ओलंपिक में प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है। डिफेंस एग्जामों के अंदर सवाल वहाँ से बनते हैं ज़्यादा, यहाँ से तो बनते ही हैं, इसके अलावा भारत के प्रदर्शन से भी बनते हैं। देखिए ओलंपिक एवं भारत 1896 के अंदर ओलंपिक शुरू हुए, लेकिन भारत की जो भागीदारी है, भारत की भागीदारी 1900 के अंदर जो ओलंपिक हुआ, 1900 ईस्वी के अंदर ओलंपिक हुआ, उससे मानी जाती है। अब देखिए उस समय भारत आज़ाद नहीं था, स्वतंत्र नहीं थे, हम सब अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों का राज था। तो अंग्रेजों के ही एक अधिकारी जिसका नाम था नॉर्मन प्रिचार्ड, नॉर्मन प्रिचार्ड, इन्होंने भाग लिया और 2 पदक जीते, और वो थे रजत, एथलीट थे ये। इनकी भागीदारी से भारत की भागीदारी शुरू हुई, क्योंकि वो भारत में रहते थे और भारत से ही उन्होंने ओलंपिक में पदार्पण किया, इसलिए उनको अनऑफिशियली भारत का मान लिया जाता है। आपको बता दें यहाँ एक डिस्कशन अधूरा रह जाता है कि सर्वाधिक ओलंपिक एक शहर के अंदर हुए हैं, आप बताइए उसका क्या नाम है। ये भी एग्ज़ाम में पूछ लेंगे कि सर्वाधिक ओलंपिक कहाँ हुए, टोक्यो में हुए हैं, न्यूयॉर्क में हुए हैं, वॉशिंगटन में हुए हैं, या लंदन में हुए। तो साथियों लंदन में हुए, लंदन में अभी तक 3 ओलंपिक हो चुके हैं, और जिनकी डेट इस प्रकार से हैं। पहला ओलंपिक हुआ 1908 में, दूसरा ओलंपिक हुआ 1948 में, और तीसरा ओलंपिक हुआ 2012 में। यानी कि लंदन के अंदर 3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है, सर्वाधिक ओलंपिक 3 बार लंदन में ही हुए हैं।
नॉर्मन पिजार्ड के बाद में 1928 के अंदर अभी हम चर्चा कर ही चुके हैं ओलंपिक का जो एम्स्टर्डम ओलंपिक था उसमें भारत ने हॉकी के अंदर स्वर्ण पदक जीता था और फिर हॉकी में लगातार 6 बार स्वर्ण पदक जीते हैं भारत ने, टोटल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, वो आगे हम चर्चा करेंगे। इस चित्र में जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये आज़ाद भारत के प्रथम खिलाड़ी हैं मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह रोम के अंदर ओलंपिक हुआ उसके अंदर 400 मीटर दौड़ के अंदर रोम ओलंपिक 1960 में हुआ, इटली की राजधानी कहलाती है रोम, उसके अंदर इन्होंने 400 मीटर के अंदर फोर्थ पोजीशन स्थान प्राप्त किया, चौथा स्थान प्राप्त किया। ये भारत के पहले व्यक्ति थे स्वतंत्र भारत के जिन्होंने ओलंपिक के अंदर चौथा स्थान प्राप्त किया। इनके अलावा इन्होंने राष्ट्रमंडल और एशियाड के अंदर गोल्ड भी जीते हैं। इन्हीं के ऊपर मिल्खा सिंह के ऊपर भाग मिल्खा भाग नामक एक फिल्म भी बनी है जिसके अंदर फरहान अख्तर हैं, उन्होंने इनकी भूमिका निभाई है, काफ़ी प्रसिद्ध मूवी रही है वो। तो रोम ओलंपिक के अंदर इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया लेकिन फिर भी हमें पदक नहीं मिला। हमें ओलंपिक के अंदर पदक मिलने का सौभाग्य 2008 में मिला साथियों, जब अभिनव बिंद्रा ने पहली बार में ही गोल्ड पर निशाना लगाया। और ये बात है बीजिंग ओलंपिक की। अगर हम बात करें बीजिंग ओलंपिक की तो बीजिंग ओलंपिक जो हुआ वो ओलंपिक हुआ 2008 में और बीजिंग चाइना के अंदर है। इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता यानी कि पहला स्थान प्राप्त किया और इन्होंने ये पदक जिसमें जीता वो था निशानेबाजी। निशानेबाजी में ये क्या करते हैं 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल है उसके अंदर शूटिंग करते हैं और इन्होंने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया 1960 के बाद में। हालांकि भारत ने हॉकी में पदक जरूर जीते थे लेकिन व्यक्तिगत स्पर्धा के अंदर ये व्यक्तिगत स्पर्धा के अंदर पहला स्वर्ण पदक था, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं आपको गोल्ड लिए हुए ये अभिनव बिंद्रा ही है साथियों। अभिनव बिंद्रा के साथ ही बीजिंग ओलंपिक के अंदर सुशील कुमार जो भारत के एक बहुत अच्छे पहलवान हैं उन्होंने भी पदक जीता। सुशील कुमार की खूबसूरती क्या है कि इन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 के अंदर जीता, उसका नाम था रजत पदक। प्लस का ध्यान रखना है। इन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 के अंदर एक पदक जीता जिसका नाम था कांचे पदक और इन्होंने जिसमें जीता उस खेल का नाम है साथियों कुश्ती। यानी कुश्ती के अंदर लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं सुशील कुमार। यहाँ से ये सवाल बन जाएगा कि लगातार 2 ओलंपिक के अंदर ओलंपिक में पदक विजेता भारत के कौन से प्लेयर हैं और उसका नाम आएगा कुश्ती के प्लेयर सुशील कुमार हैं। हालांकि 2016 के जो रियो ओलंपिक थे उसमें इनके चयन को लेकर काफ़ी विवाद हुआ और फिर ये नहीं जा पाए थे। ये जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं ये है सुशील कुमार। यहाँ से सवाल बनने की संभावना होती है सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है। दूसरा सवाल बनने की संभावना होती है कि इन्होंने ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं। 2 पदक जीते हैं, एक कांचे और एक रजत है। रजत बीजिंग में जीता है और कांचे यानी ब्रोंज लंदन में जीता है। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं साथियों। अगले जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं ये विजय कुमार हैं और विजय कुमार को लंदन ओलंपिक जो भारत के सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं भारतीयों ने 2012 में हुआ और इसके अंदर इन्होंने निशानेबाजी के अंदर पदक जीता। चित्र में दिखाई दे रहा है आपको कि ये रजत सिल्वर है, रजत पदक जीता। ये सेना के जवान हैं, बाद में सेना ने इनको वीरता पदक भी दिया। डिफेंस की तैयारी करने वालों से यहाँ सवाल बनेगा कि विजय कुमार ने कौन से ओलंपिक के अंदर पदक जीता। 2012 के ओलंपिक कौन सा पदक जीता, रजत सिल्वर मेडल जीता।
आगे चर्चा अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आगे जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं ये भारत के ही एक खिलाड़ी है जिनका नाम है गगन नारंग और इनको ब्रॉन्ज मिला है। ब्रॉन्ज लंदन ओलंपिक में मिला है। पहला आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से ओलंपिक में मिला? लंदन ओलंपिक। कब हुआ? 2012। अच्छा, किसमें मिला ये भी निशानेबाज, निशानेबाजी के अंदर इनको मिला है। और साथियों, इनको ये जो मिला है ये है कांस्य पदक। हालांकि ओलंपिक आयोजन से पहले ये संभावना थी कि गगन नारंग को गोल्ड मिलेगा, लेकिन गगन नारंग को कांचे ही मिल पाया, जबकि विजय कुमार ने रजत पदक प्राप्त कर लिया। लंदन ओलंपिक के अंदर ही भारत की पहली महिला जिन्होंने कोई ना कोई पदक प्राप्त किया वो थी एमसी मैरीकॉम। एमसी मैरीकॉम को ही बोला जाता है सुपर मॉम। आपको बताया एमसी मैरीकॉम के ऊपर एक मूवी बनी प्रियंका चोपड़ा ने जिसमें अभिनय किया था, काफ़ी पॉपुलर रही थी। इनको लंदन ओलंपिक के अंदर, लंदन ओलंपिक के अंदर 2012 में पहला पदक मिला और ये जिस पदक जिस श्रेणी में मिला उसका नाम था मुक्केबाजी। आपको बता दें इनको कांस्य पदक मिला और ये प्रथम महिला थी, प्रथम महिला जिनको ओलंपिक में पदक मिला। इससे पहले किसी भी भारतीय महिला को ओलंपिक में पदक नहीं मिला था, लेकिन एमसी मैरीकॉम ने 2012 के लंदन ओलंपिक में पदक प्राप्त किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है मुक्केबाजी में। मणिपुर की रहने वाली है ये महिला, आपको चित्र में दिखाई दे रहा। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं एमसी मैरीकॉम किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी। किस राज्य से संबंध रखती है? मणिपुर। और ये देखो चित्र में दिखाई दे ही रहे हैं ब्रॉन्ज मेडल के साथ। यहाँ से सवाल बनने की प्रबल संभावना है, क्योंकि महिला है और ओलंपिक में पदक प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं साथियों। अगली जो खिलाड़ी है वो है साइना नेहवाल। आपको बता दें साथियों, साइना नेहवाल है, इन्होंने ये जो पदक प्राप्त किया, ये पदक प्राप्त किया लंदन ओलंपिक, लंदन ओलंपिक। और लंदन ओलंपिक के अंदर 2012 में इनको बैडमिंटन में ये पदक मिला और बैडमिंटन के अंदर ये पहली भारतीय महिला थी जिनको ये पदक मिला। और जो पदक मिला इनको ये था कांस्य पदक। आगे हम देखेंगे कि रियो ओलंपिक के अंदर हमारे देश की ही बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधु को ये जो कांस्य है बैडमिंटन का ये रजत में बदल जाएगा। तो साइना नेहवाल को लंदन में कांस्य से संतोष, इनको पहले कांस्य मिला लेकिन चूंकि ये जिससे हारे थे वो डोपिंग के अंदर दोषी हो गए, तो अब इनका कांस्य रजत में बदल गया है। ये चीज़ एक आपको याद रखनी है कि योगेश्वर दत्त ने लंदन ओलंपिक के अंदर कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने भी ये जो पदक जीता है दोस्तों, ये लंदन ओलंपिक में जीता है जो 2012 के अंदर हुआ। और ये जिस श्रेणी में जीता है दोस्तों वो है कुश्ती, और कुश्ती में इन्होंने रजत जीता है। कोष्टक में लिख देता हूँ मैं कि पहले कांस्य था, कांस्य, लेकिन इनको हराने वाले खिलाड़ी के द्वारा डोपिंग में दोषी पाए जाने के कारण इनका कांस्य सिल्वर में तब्दील हो गया। योगेश्वर दत्त से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ओलंपिक के अंदर भारत में अगली जो खिलाड़ी है वो है पीवी संधु। इस पीवी संधु ने रियो ओलंपिक, रियो डी जेनेरियो के अंदर जो ओलंपिक हुआ, लास्ट ओलंपिक था जो 2016 के अंदर हुआ दोस्तों। अगर रियो ओलंपिक की बात करें तो ये जिस देश में था उस देश का नाम भी आपको पूछ सकते हैं, ब्राज़ील। ब्राज़ील के अंदर 2016 के इस ओलंपिक में इन्होंने बैडमिंटन के अंदर पदक जीता और वो था रजत पदक। आपको बता दें 2012 के ओलंपिक में साइना नेहवाल ने जो कांस्य जीता था वो पहली बार बैडमिंटन में पदक था। ठीक वैसे ही रियो ओलंपिक में पीवी संधु ने रजत जीता और किसी भी महिला द्वारा जीता गया ये पहला रजत पदक था। एमसी मैरीकॉम ने पदक जीता है लेकिन इन्होंने रजत जीता है और ये प्रथम महिला है, प्रथम महिला जिन्होंने
ओलंपिक में रजत जीता, रजत पदक जीता, ये आपको याद रखना। पीवी सिंधु के साथ ही रियो ओलंपिक में एक और पदक मिला कुश्ती में, हरियाणा की रहने वाली है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक को रियो ओलंपिक के अंदर पदक मिला है, 2016 का ओलंपिक था वो, और ये मिला साथियों कुश्ती में। और कुश्ती के अंदर जो पदक मिला है वो है कांस्य, यानी ब्रॉन्ज पदक, ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला है, जो चित्र में दिखाई दे रही है तिरंगे के साथ, यही साक्षी मलिक के साथियों। अब ये जो खिलाड़ी है व्यक्तिगत स्पर्धा के अंदर ओलंपिक के अंदर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हमने मिल्खा सिंह 1960 से शुरू किया, ठीक वैसे ही एक महिला है, चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, जिम्नास्ट प्लेयर है दीपा कर्माकर, मणिपुर की रहने वाली है, भारत में एक राज्य है मणिपुर वहाँ की। और दीपा कर्माकर का प्रदर्शन जीव मिल्खा सिंह की तरह रहा रियो ओलंपिक के अंदर, 2016 के अंदर जो ओलंपिक हुआ था रियो ओलंपिक, इसके अंदर जिम्नास्टिक में, जिम्नास्टिक के अंदर इनकी जो पोजीशन है ये फोर्थ पोजीशन रही थी, चौथा स्थान, और प्रथम भारतीय महिला है जो जिम्नास्ट के अंदर, देश में इतनी विषम परिस्थितियां होने के कारण, बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं होने के कारण इस खेल में, फिर भी इस स्थान तक पहुंची है, रियो में फोर्थ स्थान तक, और एक बहुत ही कम अंकों के साथ ये कांस्य पदक से चूकी हैं। तो हमने 1960 मिल्खा सिंह के फोर्थ पोजीशन से 2016 में दीपा कर्माकर के फोर्थ पोजीशन तक भारतीय खिलाड़ियों के व्यक्तिगत प्रदर्शन को देखा। अब हम ये देख लेते हैं कि ओलंपिक के अंदर भारतीय हॉकी का कैसा प्रदर्शन रहा। अगर बात करें हम हॉकी की, तो हॉकी ने टोटल 11 पदक प्राप्त किए हैं ओलंपिक। यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन 11 पदक के अंदर क्या क्या है। अगर हम बात करें स्वर्ण पदक की, तो वो है दोस्तों 8। अगर हम बात करें रजत पदक की, यानी कि सिल्वर मेडल की, तो वो है 1। अगर हम बात करें कांस्य पदक की, तो वो है साथियों 2, यानी 812। टोटल 11 पदक हैं, 11 812, ऐसे याद रह जाएगा आपको कि कितने रजत, कितने कांस्य और कितने गोल्ड मेडल। साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रथम गोल्ड की, प्रथम पदक की, प्रथम पदक ये हॉकी में 1928 में जीता आज़ादी से पहले, 1928 के अंदर ये खेल हुए थे एम्स्टर्डम में। अभी हमने बात ही की थी एम्स्टर्डम वाली, मसाल वाली, वही एम्स्टर्डम यानी कि नीदरलैंड, वहाँ पर भारत ने पहली बार गोल्ड पदक जीता। आपको बता दें 1928 से लेके 1956 तक भारत ने 6 लगातार गोल्ड जीते हैं। और अगर बात करें अंतिम गोल्ड की, इसके अलावा 1952 की भी चर्चा कर लेते हैं हम, चूँकि 1952 के अंदर भी भारत ने पदक जीता है, 1948 के अंदर, 1948 लंदन जो कि इंग्लैंड में, वहाँ पर आज़ादी के बाद में पहला गोल्ड जीता है, आज़ादी के बाद प्रथम गोल्ड, प्रथम गोल्ड लंदन में। आपने गोल्ड मूवी देखी होगी अक्षय कुमार वाले, वो जो गोल्ड मूवी है वो लंदन ओलंपिक पे ही बनी हुई है। 1980 के अंदर अंतिम गोल्ड जीता था, अंतिम गोल्ड 8वां, और वो ओलंपिक जहां पे हुए उसका नाम था मास्को ओलंपिक। मास्को जो कि रूस की राजधानी है, वहाँ पे ये ओलंपिक हुए थे और 8वां पदक जीता था साथियों। देखिए ओलंपिक में भारतीय हॉकी की चर्चा करें और 1936 के बर्लिन ओलंपिक के एक रोचक जो दृष्टांत हुआ था उसकी बात नहीं करें तो हमारी चर्चा अधूरी रहेगी। देखिए बर्लिन राजधानी है जर्मनी की, और 1936 में जर्मनी के अंदर एक तानाशाह हुए, एक चांसलर हुए जिनका नाम था हिटलर, और हिटलर
जो जर्मनी के अंदर ओलंपिक हो रहा था उसमें भारतीय और जर्मनी की जो टीम थी उसका मैच देखने आए हुए थे। और उस जमाने में भारत के एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हुआ करते थे जिनका नाम था मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर भी बोला जाता है। तो कहते हैं कि जब ये मैच चल रहा था तो मेजर ध्यानचंद के खेल से हिटलर इतने प्रभावित हुए कि उनकी स्टिक को मैदान से बाहर मंगवाया और देखा कि इनकी स्टिक के अंदर जादू है, इनकी जो हॉकी है इनके अंदर जादू है। क्योंकि मेजर ध्यानचंद ने इतना शानदार प्रदर्शन किया था कि जर्मनी बहुत बुरी तरीके से उस मैच में हार गई थी। इस कारण से बर्लिन ओलंपिक के उस दृष्टांत को मेजर ध्यानचंद ने रातों रात बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर दिया। उसके बाद में भी मेजर ध्यानचंद हॉकी के अंदर 1956 तक भारतीय टीम के साथ साथ अपनी सेवाएं देते रहे और हॉकी के अंदर ये भारत का गोल्डन फेज था। आज स्थिति यह है कि 2016 के ओलंपिक में भारत ने 8वां स्थान प्राप्त किया था, जो कि काफ़ी पीछे है। पहले गोल्ड जीतता था, आजकल बहुत पीछे रह गया। ये हमारी पूरी की पूरी चर्चा ओलंपिक के ऊपर थी साथियों। आगे हम इसी प्रकार से राष्ट्रमंडल, एशियाड और वन बाय वन लगभग 7 से 8 लेक्चर रहेंगे स्पोर्ट्स के। और स्पोर्ट्स की पूरे जो लेक्चर हैं उनकी चर्चा होने के बाद में आपको ऐसे लगेगा कि कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, चाहे वो स्पोर्ट्स खिलाड़ी के बारे में पूछे, मैदान के बारे में पूछे, जगह के बारे में पूछे, जो आप एग्ज़ाम में नहीं बना पाएंगे। आशा है ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। और साथियों एक इन्फॉर्मेशन ये कि फेबुलस एकेडमी अब गूगल प्ले स्टोर पर भी है, जहाँ से आप फेबुलस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और जैसा मोबाइल में दिखाई दे रहा है उस ऐप के माध्यम से आप टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, करंट अफेयर्स और वीडियो के साथ इंडियन एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस और इंडियन आर्मी की तैयारी को घर बैठे आसानी से सफल बना सकते हैं, जिसमें वीडियो, पीडीएफ और टेस्ट के माध्यम से हम आपकी तैयारी को आसान बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप गूगल प्ले स्टोर से इसके ऐप को डाउनलोड कीजिए, लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं, तो आप फॉरवर्ड करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को भी बताएंगे। मिलते हैं साथियों स्पोर्ट्स के दूसरे लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।